हेलो फ्रेंड्स, बिटिया कुकिंग में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमने बेसन ले लिया है 2 से 3 कटोरी और इसका हमें घोल रेडी करना है। तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक परफेक्टली घोल रेडी कर लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है। तो बहुत ही आसानी से ये हमारे ढोकले बनकर रेडी हो जाते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमें इनको मिलाना है। तो इसी तरीके से हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। एक साथ में पानी नहीं डालना है क्योंकि हमें ज़्यादा पतला नहीं करना है, लिमिटेड घोल रखना है। तो देखिए हम इस तरीके से इसको मिक्स करते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा पानी इसमें और ऐड करते जाएंगे। तो हम इसमें एक बार और पानी डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें इसका घोल रेडी कर लेना है। आप देख सकते हैं, तो इस तरीके से हमने इसको लगभग घोल रेडी कर लिया है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके का हमारा घोल बनकर रेडी होना चाहिए, ना ही ज़्यादा पतला और ना ही ज़्यादा गाढ़ा। तो चलिए इसमें हम हल्दी पाउडर ऐड कर रहे हैं 1/2 चम्मच और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। हमने इसमें 1 चम्मच नमक लिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें और इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो हमारा ये अच्छे से मिक्स हो चुका है हल्दी और नमक। तो इस तरीके से हमने इसको मिक्स कर लिया है। देखिए तो चलिए अब इसको रख देते हैं 5 से 10 मिनट के बाद। उसके बाद हम इसमें इनो ऐड करेंगे। हमने ये इनो लिए, एक इनो ऐड कर रहे हैं हम इसमें और इनो डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, जिससे कि हमारे ढोकले स्पंजी बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्पंजी बनते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने इनो ऐड कर लिए। तो ये अभी हमारा फूलेगा, झाग देती है इनो, तो उससे ये फूलता है हमारा। तो हमारा बेसन अच्छे से फूल कर रेडी हो जाएगा। आप देख सकते हैं इस तरीके से फूल चुका है, हल्का सा गाढ़ा भी लगने लगा है। तो चलिए इस तरीके से हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है इनो को, आप देख सकते हैं। तो देखिए, और ये हमने जो 2 प्लेटें लिए इसमें हम ढोकले बनाएंगे, इसको हमने ऑयल से ग्रीस कर लिया है दोनों प्लेटों को। तो हम इसमें अपना पेस्ट डाल देते हैं और पेस्ट को डालकर हमें अच्छे से पूरे में फैला देना है। तो इस तरीके से हमने इसमें डाल लिया है और इस तरीके से करके हम इसको पूरे में फैला देते हैं। तो देखिए इसमें थोड़ा सा कम लग रहा है, तो हम इसमें और डाल लेते हैं थोड़ा सा। तो और इसको हम अच्छे से फैला देंगे, जिससे कि हमारे ढोकले अच्छे बनेंगे, और हल्का सा ठोक देंगे जिससे कि क्या होगा ना, ऊपर से एक जैसा हो जाएगा। देखिए हो गया ना, इसी तरीके से हम दोनों प्लेटों में फैला लेंगे। तो देखिए ये हम सांचे बना रहे हैं, आप चाहे तो कढ़ाई में या किसी और चीज़ में बना सकते हैं। तो हमने ये अच्छे से दोनों प्लेटों में अच्छे से फैला लिया है अपना घोल। तो चलिए दूसरी तरफ हमने ये ओवन रख दिया था, इडली का साँचा रख दिया था, वो हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है उसमें पानी। तो हम इसमें अपनी दोनों प्लेटों को सेट कर देते हैं और इसको ढककर रख देते हैं 5 से 7 मिनट के लिए। और जब तक के लिए ये हमारे ढोकले होंगे, हम अपनी ये हमने हरी मिर्ची ली है, आप देख सकते हैं, तो इनको हम काट लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने काट कर रेडी कर लिया और हमारे ढोकले अच्छे से बनकर रेडी हो गए, आप देख सकते हैं। तो हम इसको चेक कर लेते हैं एक लकड़ी की सहायता से। तो देखिए इस तरीके से गपाना है और इसमें डालकर निकालना, अगर कहीं थोड़ा सा भी बेसन इसमें लगा आता है तो हम समझ लेंगे हमारे अभी ढोकले पके नहीं हैं। लेकिन बिल्कुल भी नहीं आए, इसका मतलब हमारे ढोकले अच्छे से पक चुके हैं। तो हम इनको निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से देखिए हमने निकाल लिया है और अब हम इसको हल्का सा ठंडा होने के बाद कट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने इसको काट लेंगे। पीसेस आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। तो देखिए हम इस तरीके से कितना आसानी से ये हमारा निकल रहा है, आप वैसे भी देख सकते हो, बहुत ही आसानी से ये उठ रहा है नीचे से। तो इतनी आसानी से निकल जाते हैं, बहुत ही आसानी से और झटपट से बनकर रेडी हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर कहीं आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो देखिए, इस तरीके से हमने सबको काट लिया है और ये देखिए कितने आसानी से ये निकल जाते हैं। बहुत ही स्पंजी और सॉफ्ट बनकर रेडी हुए हैं हमारे ढोकले। तो इसी तरीके से हमने सारे ढोकलों को निकाल लिए हैं और एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर देती हैं। तो दूसरी तरफ हमने कढ़ाई रखी है, इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे एक चम्मच के करीबन, और इसको गर्म होने के बाद में हम इसमें डाल रहे हैं राई। हम इसमें 2 चम्मच राई डाल रहे हैं। राई को हम अच्छे से तड़कने देते हैं 2 से 3 चम्मच। आप बड़ी चम्मच से डालें तो एक ही डालें। और इसी के साथ में हम डालेंगे 10 से 12 कड़ी पत्ते, और कड़ी पत्ते होने के बाद में हम इसमें डाल देते हैं अपने हरी मिर्ची। तो देखिए, इसमें हम हरी मिर्ची ऐड करेंगे और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। हरी मिर्ची को हमें हल्का सा फ्राई करना है। तो इस तरीके से हम इनको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो इनको फ्राई करने में हमें लगभग 1 से 2 मिनट लगेंगे, और 1 से 2 मिनट में ही हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है मिर्ची। तो हम इसमें नमक ऐड करेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। नमक हमें ध्यान से डालना है, क्योंकि हम ढोकलों में भी नमक डाल चुके हैं, इसलिए इसमें नमक हमें कम डालना है। तो हमने इसमें नमक ऐड कर दिया है और इसको अच्छे से मिक्स करके इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, लगभग 1 गिलास, और इसको अच्छे से 2 मिनट तक पकने देंगे पानी को इसी तरीके से मिर्ची में। तो देखिए, 1 से 2 मिनट के बाद हमारा पानी भी कम हो चुका है और मिर्ची हमारी अच्छे से हो चुकी है। तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और जो ढोकलों को हमने रखा था काट के, उसके ऊपर इस तरीके से इसका पानी और मिर्ची दोनों चीज़ों को डाल देंगे। तो फैन देखिए इसी तरीके से डालें, रेडी करें। बहुत ही टेस्टी और अमेजिंग से ढोकले बनकर हमारे रेडी हो चुके हैं। आप खाएं और परिवार वालों को भी खिलाएं। बहुत ही टेस्टी और अमेजिंग से ये रेसिपी है और झटपट से बनकर रेडी हो जाती है। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें। चैनल को अगर कि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और इसी तरीके की वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। बहुत ही टेस्टी और अमेजिंग से ये ढोकले हमारे बनकर रेडी हुए हैं। तो फ्रेंड्स सपोर्ट बनाए रखें। सो थैंक यू फ्रेंड्स।